हमारे चैनल टेक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आईएमपी माइक्रोवेव में फ्रेंच फ्राइज कैसे बनते हैं। फ्रेंच फ्राइज हम सिंपल तरीके से बनाएंगे, इसमें कोई भी वगैरह नमक वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, सिंपल बनाएंगे। अगर आप वैसे बनाना चाहते हो तो वैसे बना सकते हो। कन्वेक्शन मोड पे बनेगा क्योंकि हमने क्रिस्प करना है इसको, और 200 डिग्री टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए चलेगा। आइए हम देखते हैं कैसे बनाना है इसको। पहले तो बेकिंग ट्रे है जो, उसको आपने ऑयलिंग कर लेना है ताकि इसके साथ चिपके ना। हम सिंपल ले रहे हैं, आप इसमें नमक मिर्च वगैरह मिक्स करके लगा सकते हो, हमने सिंपल वाले हैं तो इसको हमने लगा लेना है। इसे जितने भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। बेकिंग करने से पहले हमको माइक्रोवेव ओवन प्रीहीट करना पड़ेगा। प्रीहीट करने के लिए आइए देखते हैं हम क्या करना है। माइक्रोवेव स्टार्ट करना है, स्टोव रीसेट का बटन प्रेस करना है, इसे जो है वो रीसेट पे चले जाएगा। अभी इस पे हमने कन्वेक्शन पे जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है जी। अब इसको प्रेस करते रहेंगे ना तो ये बढ़ता रहेगा, तो हम 200 डिग्री पे सेल्सियस पे चले जाना है। अगर आप सीधा प्रेस स्टार्ट करोगे तब भी प्रीहीट पे चले जाएगा, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं पता चला तो आप सीधे 5 मिनट के लिए लगा दीजिए तो आपका प्रीहीट पे चला जाएगा। 5 मिनट के लिए खाली चलने दीजिए ताकि माइक्रोवेव प्रीहीट हो जाए। बस 10 मिनट रह गए, ओवन प्रीहीट होने वाला है तो प्रीहीट होगा। ओवन प्रीहीट हो चुका है, अभी हम फ्रेंच फ्राइज को अच्छे से ध्यान से रखिएगा, ये गर्म होगा। अभी हमने कन्वेक्शन पे जाना है दोबारा 200 डिग्री टेम्परेचर पे और 10 मिनट के लिए चला देना है। पांच मिनट के बाद हम खोलेंगे इसको और इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग करके फिर दोबारा से लगाएंगे। अभी 10 मिनट के चला रहे हैं। कन्वेक्शन मोड पे जब भी चलाना है आपने आपने प्लास्टिक नहीं यूज करना है, आपने स्टैंड यूज करना है या ट्रे ही यूज करनी है। प्लास्टिक यूज करोगे तो वो खराब हो जाएगी, प्लास्टिक यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम निकालेंगे इसको और ऑयलिंग करेंगे। फिर चेक करेंगे कि ब्राउन नहीं हो गए होंगे तो टाइम और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज हमारे बनने वाले हैं, अभी हम इसको चेक करते हैं। ध्यान से निकालना है, बहुत ज्यादा गर्म होगा इसलिए ध्यान रखना। अभी 2-3 मिनट और लगाने पड़ेंगे तब अच्छे से बन जाएगा, अभी थोड़े रहते हैं। कन्वेक्शन मोड पे दोबारा से जाना है, 200 डिग्री सेल्सियस पे 2 मिनट के लिए और चला देंगे। थोड़े से अभी बनने बाकी थे इसलिए हमने 2 मिनट का टाइम और दिया है। आपको आप भी कभी भी ऐसे टाइम बढ़ा सकते हो चेक करके, अगर आपको लग रहा है नहीं प्रॉपर बने हैं तो उसको दोबारा से टाइम लगा सकते हो। कई बार थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है तो आप कर सकते हो ऐसा, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप खोल के चेक कर लिया कीजिए, नहीं बना है तो दोबारा से बना लीजिए, या बन गया है तो उसको बंद करके आप निकाल सकते हो उसी को। तो टाइम थोड़ा बहुत कई बार ऊपर नीचे हो जाता है तो आप ऐसे कर सकते हो। 10 सेकंड रह गए हैं और हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गए हैं जी, अभी हम निकाल के आपको चेक करवा देते हैं।
काफी हो गए हैं ये, ये देखिए पूरे बन चुके हैं। इसी तरह आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हम ऐसे नई नई डिशेज आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।